वेलकम टू बटरफ्लाई स्कूल। विद्यार्थी मित्रों, हिंदी नी स्वाबोधी खोलसो। आजे आपणे पाठ 6 न्याय कहानी छे एनो स्वाबोधी मां अभ्यास करीशु। तमे लखशो प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। एक, इराक की राजधानी का नाम बताइए। सी, बगदाद। दो, पुराने समय में जहां सामान रखा जाता था। डी, तहखाना। तीन, किसी चीज को ढककर उसको मुहर बंद करना, ए सील। चार, पैगंबर का उत्तराधिकारी, बी खलीफा। पांच, इनमें से किस शब्द का अर्थ कहानी होता है। सी, किस्सा। दो, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक, अली ख्वाजा ने मक्का खाली जगह की यात्रा का निश्चय किया। शरीफ। दो, एक दिन वाजिद के घर खाली जगह थी, दावत। तीन, उसने उन मोहरों को अपनी खाली जगह में छिपा कर रख दिया, तिजोरी। चार, एक सप्ताह बाद का समय खाली जगह के लिए दिया गया, सुनवाई। पांच, खलीफा को न्याय के लिए खाली जगह मिल गया, सबूत। छह, सभी लोगों ने हसन की, खाली जगह और न्याय की प्रशंसा की, सूझबूझ। तीन, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। एक, अली ख्वाजा ने अपनी जमा पूंजी मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया क्योंकि वह अकेला था। दो, वाजिद ने तरह तरह के पकवान बनाए थे क्योंकि उसके घर दावत थी। तीन, वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकाला क्योंकि उसके घर में तेल खत्म हो गया था। प्रश्न 4, ख्वाजा काजी की अदालत से निराश होकर लौटा क्योंकि उसके पास पक्के सबूत नहीं थे। 4, खलीफा ने हसन को दरबार में बुलाया क्योंकि वह बहुत समझदार था। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। एक, अली ख्वाजा ने तिल का घड़ा कहाँ रखा। अली ख्वाजा ने तिल का घड़ा अपने मित्र और पड़ोसी वाजिद के घर के तहखाने में रखा। दो, वाजिद के घर में तेल क्यों खत्म हो गया था। वाजिद के घर में तेल खत्म हो गया था क्योंकि दावत के कारण तरह तरह के पकवान बनाए गए थे। तीन, वाजिद ने घड़े का तेल दूसरे बर्तन में क्यों निकाला। वाजिद ने घड़े का तेल दूसरे बर्तन में निकाला क्योंकि उसे लगा कि घड़े में तेल के सिवा कुछ और भी है। 4, लोगों ने ख्वाजा को क्या सलाह दी। लोगों ने ख्वाजा को काजी की अदालत में जाने की सलाह दी। 5, शहर में भेष बदल कर घूमते समय खलीफा ने क्या देखा। शहर में भेष बदल कर घूमते समय खलीफा ने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। 6, खलीफा हसन से क्यों प्रभावित हुए। क्योंकि उनको न्याय करने का हसन का तरीका बहुत सही लगा। 7, अली ख्वाजा ने वाजिद से कितने समय पहले तेल भरा था। अली ख्वाजा ने वाजिद से 4 महीने पहले तेल भरा था। 8, लोगों ने हसन की तारीफ क्यों की। क्योंकि उसने बड़ी सूझबूझ से अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े का फैसला किया था। 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक, अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होगी। तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई न पड़े इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में छुपाई होगी। दो, मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। मित्र के साथ सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार करना चाहिए। मित्र के साथ हमें कभी छल कपट और विश्वासघात नहीं करना चाहिए। 3, वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते। वाजिद की जगह मैं होता तो अपने मित्र के साथ विश्वासघात न करता। अगर मैं हसन की जगह होता तो मैं भी उसकी तरह घटना की पूरी छानबीन करता और युक्ति से अली ख्वाजा को न्याय दिलाता।
प्रश्न छे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखी। एक वाजिद को कैसे पता चला कि घड़े में मोहरे है? वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा, तब घड़े से सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकल दिया। इस तरह वाजिद के बर्तन में मोहरों का पता चला। प्रश्न दो, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरे भी निकाली। तेल तो उसने फिर से भर दिया और मोहरे चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरे नहीं थी। उसने मोहरे के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरे चुराने से साफ इनकार किया, इसलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। तीन, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? एक दिन खलीफा अपना भेष बदल कर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था, उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्हें हसन को अपने दरबार में बुलाया। चार, तेलियों का बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? तेलियों ने घड़े के तेल को देख चख और सूंघ कर बताया कि यह वह 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो गया कि वाजिद ने अली का तेल निकाल कर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा। पुराना तेल निकालने पर उसे घड़े में रखी मोहरे जरूर मिली होगी। तेलियों की बात सुनकर वाजिद को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वह घबरा गया। 5, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है, इसे वे आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान और तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। प्रश्न छे, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरे वापस करने का आदेश किया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। प्रश्न 7, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे है? यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ, अली ख्वाजा ने वाजिद से कहा। आप अपना बड़ा घड़ा तहखाने में रख आइए, वाजिद ने अली ख्वाजा से कहा। 3, आप काजी की अदालत में जाइए, लोग ने अली ख्वाजा से कहा। 4, आप इस घड़े की जांच कीजिए, हसन ने तेलियों से कहा। 5, हुजूर में तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, अली ख्वाजा ने खलीफा को कहा। प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्य से क्रियापद शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार फिर से लिखिए। 1, अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई, क्रियापद सुनाई। बच्चों को कहानी किसने सुनाई? 2, रात को कुत्ते भौंक रहे थे, क्रियावाचक। कुत्ते कब भौंक रहे थे? 3, वह पटाखे देख रहा है, वह क्या देख रहा है? 3, वेदांत किताब पढ़ रहा था, कौन किताब पढ़ रहा था? 5, पता नहीं तन्मय मेरे पास से चला गया, तन्मय मेरे पास से कब चला गया? 6, आकाश में पतंग उड़ रही थी, पतंग कहाँ उड़ रही थी?
प्रश्नों कहानी पढ़िए, शीर्षक दीजिए और उसके प्रश्न लिखने हैं आपको। शीर्षक तेनाली रामन की चतुराई। एक सेवक ने कौन सा अपराध, सेवक से कौन सा अपराध हुआ? सेवक से राजा का प्रिय काच का मोर टूट गया था। दो, राजा ने सेवक को क्या सजा दी? राजा ने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। तीन, बाल उद्यान में क्या हो रहा था? बाल उद्यान में बच्चे नाटक खेल रहे थे। पांच, तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय को बाल उद्यान में क्यों ले गए? क्योंकि वे उन्हें यह समझाना चाहते थे कि न्याय करते समय राजा का मन बालक जैसा निर्मल होना चाहिए। पांच, तेनालीराम बालक को कौन सी सजा दिलाना चाहती थी? तेनालीराम बालक को यह सजा दिलाना चाहती थी कि उद्यान में किए गए नाटक को वो दरबार में दोहराए। छे, न्याय करते समय राजा का मन कैसा होना चाहिए? न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। सात, राजा ने सेवक को क्यों रिहा कर दिया? राजा ने सेवक को रिहा कर दिया क्योंकि उसने पहली बार यह मामूली अपराध किया था। प्रश्न 10, यहाँ हमको कहानी लिखनी है। शीर्षक शेर और चूहा और छोटे छोटे भी बड़ों के काम आते हैं। एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था। शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया। वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, किसी दिन तुम्हारी मदद करूंगा। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाई। जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देकर वो अपने साथियों को बुला लाया। उन्होंने जाल काट डाला और शेर को जाल से छुड़ाया। इस तरह चूहे ने शेर को शिकारी से बचाया। उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए और साथ में खेलने लगे। यहाँ हमारा 21 न्याय पूर्ण होता है।